हाय एवरीवन, दिस इज अनूप वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवी एजुकेशन अड्डा में। तो फिर आ गए हैं हम नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में फिर बात करने वाले हैं मैजिक के पार्ट थर्ड के बारे में। यानी इससे पहले जब हमने मैजिक का जो हमारी स्टोरी थी उसके पार्ट सेकंड के बारे में बात की, अब बात करेंगे हम फर्स्ट के पार्ट थर्ड के बारे में। तो चलिए ज्यादा लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, व्हेन द थीव्स ब्रॉट द नेकलेस, भीमा शास्त्री took it and went to the place where he dug a small pit under a large tree and buried the necklace under it। यहाँ पे देखिए, thieves माने क्या होता है, चोर होता है। bring माने लाना, bring यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, brought है। नेकलेस माने हार होता है, और यहाँ पे टेक माने लेना, टेक का सेकंड फॉर्म टूक है। उसके बाद वेंट माने गया, यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म गो, वेंट गॉन होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा गया है। प्लेस माने स्थान होता है, वेयर माने जहां, डिग माने खोदना, डिग का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है डग है। उसके बाद स्मॉल माने छोटा होता है, पिट माने गड्ढा होता है, अंडर माने के नीचे होता है, लार्ज माने बड़ा होता है, ट्री माने पेड़ होता है, बरीड मीन्स क्या होता है, दफनाना। अब देखिए, व्हेन द थीव्स ब्रॉट द नेकलेस, जब जो चोर थे उन्होंने जब मतलब नेकलेस को लाया, भीमा शास्त्री ने उसे लिया, टूक इट मतलब टेक इट मतलब उसे लिया, यानी टूक इट उसे लिया, एंड वेंट टू द प्लेस वेयर ही डग अ स्मॉल पिट, और वहां गया जहां उसने छोटा सा गड्ढा खोदा हुआ था, अंडर अ लार्ज ट्री एक बड़े पेड़ के नीचे, एंड बरीड द नेकलेस अंडर इट मतलब जहां पे गड्ढा खोद के पहले से रखा था, जब उन्होंने हार को दिया तो उसने क्या किया, जाके वहां पे उस गड्ढे में उसको मतलब दफना दिया, या फिर मून दिया, वहां पे कह सकते हैं आप, वहां पे उस पे मट्टी डाल के उसे मून दिया अंदर। अब आगे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप देखिए, देन ही वेंट बैक टू हिज हाउस एंड स्लेप्ट मतलब तो वह अपने घर आया और सो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह भीमा शास्त्री वेंट टू द पैलेस एंड डिड अ लॉन्ग पूजा मतलब अगली सुबह जब भीमा शास्त्री आया, मतलब भीमा शास्त्री गया, वेंट टू द पैलेस मतलब पैलेस माने क्या होता है, महल होता है, पैलेस में महल होता है, पैलेस में गया और एक लंबी पूजा की, यानी बड़ी पूजा की। लॉन्ग माने क्या होता है, लंबा या बड़ा कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब बड़ी पूजा की। उसके बाद देखिए फुल स्टॉप, आफ्टर द पूजा मतलब पूजा के बाद, आफ्टर माने बाद होता है, आफ्टर माने बाद में होता है, बिफोर माने पहले होता है। आफ्टर द पूजा यानी पूजा के बाद, ही क्लोज हिज आईज मतलब उसने अपनी आंखों को बंद किया, एंड प्रिटेंडेड टू थिंक मतलब देखिए फिर से, आफ्टर द पूजा ही क्लोज्ड हिज आईज एंड प्रिटेंडेड टू थिंक मतलब पूजा के बाद उसने अपनी आंखों को बंद किया, और प्रिटेंडेड माने क्या होता है, नाटक करना होता है। प्रिटेंडेड मीन्स क्या होता है, प्रिटेंड माने नाटक करना होता है, यहाँ पे प्रिटेंड का वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया है प्रिटेंडेड, यानी प्रिटेंड माने क्या होता है, जब आंखें बंद कर लिया तो उसने क्या किया, नौटंकी करने लगा, यानी नाटक करने लगा, नाटक टू थिंक मतलब नाटक करके सोचने लगा। अब आगे देखिए, थिंक माने सोचना होता है, देन ही सेड तब उसने कहा, टू द किंग मतलब राजा से कहा, योर मजेस्टी मतलब माई लॉर्ड, मजेस्टी माने क्या होता है, माई लॉर्ड कह सकते हैं आप, या फिर राजा होता है मतलब मजेस्टी माने जो कोई बड़ा होता है तो उसे कहा जाता है मतलब मजेस्टी मतलब माई लॉर्ड, आई कैन सी द नेकलेस मतलब मैं हार को देख सकता हूं। अब आगे देखिए फुल स्टॉप, इट इज बरीड अंडर अ ट्री मतलब वो पेड़ के नीचे दफनाई गई है, कहां पे, एक पेड़ के नीचे दफनाया है मतलब इट इज बरीड मतलब बरीड माने क्या होता है, दफनाना होता है, अंडर अ ट्री मतलब एक पेड़ के नीचे दफनाया है। अब आगे देखिए, यस इट इज अंडर द लार्ज ट्री नियर द पैलेस स्टेप्स मतलब उसने जो राजा था उसने कहा कि हाँ जो पेड़ है वो मतलब यही पास में ही मतलब महल के पास में ही कुछ कदमों के पास में पेड़ है एक बड़ा सा, उसने कहा राजा ने। अब अगर देखिए फुल स्टॉप यहाँ पे, अगला देखिए यहाँ पे, द किंग सेंट हिज सोल्जर्स मतलब जो राजा था उसने अपने सैनिकों को भेजा, सोल्जर्स मीन क्या होता है, सैनिक होता है, सेंट माने क्या होता है,
सेंड माने भेजना होता है, यहाँ पे सेंड माने भेजना होता है, और यहाँ पे सेंट का सेंट मतलब जो सेंड है सेंड माने भेजना होता है, सेंट का यहाँ पे मतलब थर्ड फॉर्म लिखा गया है सेंट, ये सेंट है। अब यानी सेंट दीज सोल्जर्स अपने मतलब मतलब अपने जो उसके सोल्जर्स यानी थे यानी सैनिक थे उन्हें भेजा, एंड दे वर सून बैक विथ द मिसिंग नेकलेस, और वे जल्द से ही जल्द मतलब जल्द ही वापस नेकलेस के साथ मतलब वे जल्द से ही जिन्हें भेजा था सोल्जर्स अपने वो जल्द से ही वापस आ गए मतलब नेकलेस के लेकर। अब आगे देखिए फुल स्टॉप, फिर आप देखिए द किंग वाज वेरी हैप्पी एंड गेव भीमा शास्त्री थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड क्वाइंस एज अ रिवार्ड। अब यहां पर देखिए द किंग वॉज वेरी हैप्पी मतलब राजा बहुत खुश था, एंड गेव भीमा शास्त्री थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड क्वाइंस मतलब जो मतलब जब वो हीरा मतलब जो नेकलेस आ गया तो राजा बहुत खुश हुआ, और राजा ने क्या किया उसको मतलब जो भीमा शास्त्री था उसे मतलब 1000 सोने के सिक्के दिए। क्वाइंस माने क्या होता है, सिक्का होता है, गोल्ड माने सोना होता है, मतलब 1000 थाउजेंड्स माने होता है हजार, तो यहाँ पे मतलब 1000 मतलब सोने के सिक्के उसको भीमा शास्त्री को दिए एज अ रिवार्ड। रिवार्ड माने क्या होता है, सम्मान होता है, पुरस्कार यानी एक पुरस्कार के रूप में दिए उसे। अब आगे देखिए यहाँ पे भीमा शास्त्री वाज क्लेवर मतलब भीमा शास्त्री बहुत क्या था, क्लेवर मीन्स क्या होता है, चालाक होता है, भीमा शास्त्री बहुत चालाक था। आई हैव बीन लकी सो भीमा शास्त्री ने कहा, आई हैव बीन लकी सो ही थॉट मतलब उसे सोचा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मतलब उसने सोचा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। अब आगे देखिए बट वन डे लेकिन एक दिन पीपुल विल फाइंड आउट दैट लोगों ने पता लगा लिया कि मतलब अगर उसने सोचा कि मतलब देखिए बट वन डे पीपुल विल फाइंड आउट दैट आई एम नॉट अ मैजिशियन, अगर मतलब सोच रहा हूं अपने मन में कि अगर एक दिन लोगों को पता चलेगा कि मैं जादूगर नहीं हूं। मैजिशियन माने क्या होता है, मैजिक माने जादू होता है, मैजिशियन माने क्या होता है, जादूगर होता है। तो आप देखिए मैजिशियन मीन जादूगर होता है यानी नाउन बना दिया गया है, मैं जादूगर नहीं हूं। तब उसके बाद देखिए आई एम ओनली अ सिंपल मैन हु डज नॉट नो एनी मैजिक मतलब वो सोच रहा है कि अगर लोगों ने मतलब जब मतलब लोग जब जान जाए कि मैं एक मतलब जादूगर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक साधारण सिंपल माने क्या होता है, साधारण साधारण आदमी हूं जिसे कोई जादू उदू नहीं आता है मतलब ना उसे मतलब कोई भी मैजिशियन नहीं आता, कोई भी मैजिक नहीं आता उसे मतलब जादू नहीं आता, ये बात कह रहा है वो सोच रहा है अपने मन में। अब आगे देखिए फुल स्टॉप, आई हैव बीन चीटिंग देम मतलब कह रहा है कि मैं उन सभी लोगों से क्या कर रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ माने क्या कर रहा हूँ, चीटिंग मीन्स क्या होता है, धोखा देना होता है या धोखेबाजी करना होता है। चीट माने क्या होता है, धोखेबाजी करना या धोखा देना होता है, मतलब उन लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। अब आगे देखिए ये सोच रहा है वो अपने मन में। अब आगे देखिए देन आई शैल बी इन ग्रेट ट्रबल अगर मतलब कह रहा है कि अगर ऐसा सब मालूम हो जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ट्रबल मीन्स क्या होता है, परेशानी होता है। ग्रेट माने महान या फिर बड़ा भी कह सकते हैं, इसका उपयोग आप कई तरह से मतलब कर सकते हैं। तो मतलब कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप, आगे देखिए इट इज बेटर टू गो अवे टू सम अदर प्लेस वेयर नोबडी नोज मी मतलब कह रहा है या मतलब इसलिए या यही अच्छा होगा कि मैं यहां से कहीं दूसरे स्थान पर चले जाऊं जहां हमें कोई ना जानता हो, मतलब नोबडी माने कोई भी नहीं, प्लेस माने स्थान होता है, वेयर माने जहां होता है, नो माने जानना होता है यानी जहां हमें कोई ना जाने, बेटर माने क्या होता है, अच्छा होता है, बेटर मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है, गो अवे माने चले जाना होता है, गो अवे मीन्स क्या होता है, चले जाना मतलब कि या इससे अच्छा यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं जहां हमें कोई नहीं जानता हो। यहां पर देखिए फुल स्टॉप, फिर आगे देखिए सो इसलिए भीमा शास्त्री क्वाइटली वेंट अवे विथ हिज वाइफ मतलब क्या हुआ, जब मतलब ऐसा सोचा उसके बाद क्या किया उसने, तुरंत उसने भीमा शास्त्री ने अपने मतलब अपनी पत्नी के साथ तुरंत वहां से चला गया। क्वाइटली मतलब बिना कुछ सोचे समझे मतलब बिना देर किए शांतिपूर्वक वहां से चला गया, क्वाइटली मीन शांतिपूर्वक, वहां से आराम से वो सीधे बस चला गया। अब आगे देखिए आफ्टर दे हैड रीच्ड देयर ही टोल्ड हिज वाइफ एवरीथिंग मतलब जब वहां से वो चला गया और जहां पे गया उसने तब क्या किया, अपने पत्नी को सारी बातें बताई। रीच्ड माने क्या होता है, पहुंचना होता है, आफ्टर माने बाद में होता है, दे माने उन्हें होता है या वे होता है,
देयर माने वहां होता है, टेल का यहाँ पे टोल्ड लिखा गया, थर्ड फॉर्म है टोल्ड है मतलब कहना होता है या बताना होता है, मतलब अपने वाइफ को बताया उसने सब कुछ, एवरीथिंग माने सब कुछ, मतलब जब वहां पहुंच गया तो उसने अपने वाइफ को सब कुछ बताया। तो उसके बाद देखिए, सी हैड अ गुड लाफ व्हेन सी हर्ड हिम। देखिए जब उसने बताया अपनी पत्नी को तो उसके पत्नी उसकी पत्नी का रिएक्शन क्या था, देखिए उसने क्या किया, सी हैड अ गुड लाफ, वो बहुत तेजी से हंसी व्हेन सी हर्ड हिम, मतलब जब उसने ये सारी बातें उससे सुनी तो उसकी पत्नी जो थी बहुत तेजी से हंसी। उसके बाद देखिए फुल स्टॉप, बट भीमा शास्त्री नेवर अगेन सेड दैट ही हैड मैजिक पावर्स। लेकिन तब उसके बाद क्या हुआ, जब भीमा शास्त्री ने ये बात बता दी अपनी पत्नी से, तो उसने क्या किया, भीमा शास्त्री ने कभी ऐसा नहीं किया कि उसके पास कोई जादू है या फिर कोई मतलब मंत्र है उसके पास, यानी कोई भी जादुई मंत्र या फिर पावर शक्ति उसके पास नहीं है, उसने दोबारा ऐसा कोशिश नहीं की। तो ये था हमारा मैजिक का पार्ट थर्ड, जो आज मतलब खत्म हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगली स्टोरी हम आपको बताएंगे अगले वाले वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय संविधान।